आज इस वीडियो में हम एसिड बेस के सेकेंड थ्योरी डिस्कस करेंगे जो है ब्रॉस्टेंड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट या थ्योरी 1923 में ब्रॉस्टेंड लॉरी ने एसिड और बेस के लिए एक दूसरी थ्योरी प्रपोज की थी अकॉर्डिंग टू तो दिस थ्योरी एसिड आर सब्सटेंस विच कैन गिव प्रोटोन एंड बेसिस आर सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन फ्राम एनी आदर सब्सटेंस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं एंड बेसिस uh, वे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं एसिड के लिए सेम hmm, कंडीशन थी जो आरिनीस के अकॉर्डिंग थी कि जो एच प्लस को डोनेट करते हैं एच प्लस का फॉर्मेशन करते हैं और जो बेसिस है उसके लिए अपोजिट अपोज हो जाएगा कि जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटैंड लॉरी थ्योरी जो एच प्लस को डोनेट करे वो होंगे एसिड और जो एच प्लस को एक्सेप्ट कर ले वो होंगे बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटैंड लॉरी इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट एसिड आर प्रोटॉन डोनर वाइल बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस डोनर हो वो कहलाएंगे एसिड और ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस एक्सेप्टर हो H प्लस को एक्सेप्ट करे वो हो जाएंगे बेस आगे हम एसिड एंड बेसिस के एग्जाम्पल देखेंगे हमने एसिड का एग्जाम्पल लिया है एचसीएल जब एच सी एल का ब्रेकडाउन होता है तो ये फॉर्मेशन करता है एच प्लस और सी एल माइनस का मीन्स एच प्लस को निकालता है एच प्लस का फॉर्मेशन करता है तो ये हो जाएगा एसिड सेकेंडली हमने एच सी ओ थ्री जब ये ब्रेकडाउन होता है तो ये फॉर्मेशन करता है एच प्लस का और सी ओ थ्री टू माइनस का तो इसने भी एच प्लस का फॉर्मेशन किया एच प्लस डोनेट किया है तो ये भी कहलाएगा एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सट एंड लॉरी आगे हम बेसिस के एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर लिए हमने सी फाइव एच फाइव एंड ये एच प्लस को एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन करता है सी फाइव एच फाइव एन एच पॉजिटिव का मीन्स एच प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो ब्रॉन्सिन लॉरी के अकॉर्डिंग ये कहलाएगा बेस यहाँ पर हमने लिया एच सी ओ थ्री माइनस ये भी एच प्लस को एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन कर लेता है एच टू सी ओ थ्री तो ये भी कहलाएगा बेस अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमने जो सेकंड एग्जांपल लिया है यहाँ पर भी लिया एच सी ओ थ्री और यहाँ पर भी लिया एच सी ओ थ्री से ये जो कंपाउंड है ये एसिड की तरह बिहेव भी, भी कर सकता है मीन एच प्लस को डोनेट भी कर सकता है निकाल भी सकता है और ये एच प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है मीन से एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव है करते हैं वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऐसे सब्सटेंस एम्फोटेरिक नेचर के कहलाते हैं when an acid give a proton the residue left developer a tendency to accept proton hence this residue behaves as a base therefore we can write जो एसिड होता है जब वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा मीन्स एच प्लस का जब फॉर्मेशन करेगा एच प्लस निकालेगा और जो सब्सटेंस बचेगा जो रेसिड्यू बचेगा उसमें टेंडेंसी होती है कि वो एच प्लस को एक्सेप्ट करे जब एसिड एच प्लस को निकालेगा उसके बाद जो कंपाउंड बचता है जो रेसिड्यू बचता है उसमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो एच प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है तो हम बोल सकते हैं कि जब एसिड एच प्लस को निकालेगा और जो रेसिड्यू बचेगा वो वर्क करेगा एक बेस की तरह एसिड एंड बेसिस विच डिफर बाय वन प्रोटोन ओनली और कार्ल्ड कॉन्जुगेट पेयर ऐसे एसिड बेस का एक ऐसा पेयर जिसमें एक एच प्लस का डिफरेंस होता है वो जो पेयर होता है वो कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यहाँ पर हम नीचे रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर एच और एच टू ओ जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तब यहाँ पर जो एच है एच अपने H+ प्लस को डोनेट करता है डोनेट करके ये फॉर्मेशन करता है सी एल माइनस का तो इस एच सी एल ने एच प्लस को डोनेट करके सी एल का फॉर्मेशन किया है क्लोरीन निकाला है तो ब्रॉसिन लॉरी के अकॉर्डिंग ये कहलाएगा एसिड वही बात करें एच टू ओ की ये जो वाटर है इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है और फॉर्मेशन करेगा एच थ्री ओ प्लस का मीन्स इसने एच प्लस को एक्सेप्ट किया है तो ब्रॉसटन लॉरी के अकॉर्डिंग ये कहलाएगा बेस फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए तो जो एच सी एल था वो है एसिड जो एच टू ओ था वो है बेस और यहाँ पर फॉर्मेशन किया है एच थ्री ओ प्लस और सी एल माइनस का यहाँ पर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन देखी इसी इसी रिएक्शन जब बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे इधर से रिएक्शन देखेंगे तो ये जो एच थ्री ओ प्लस है ये अपने एच प्लस को डोनेट करता है जब ये एच प्लस को निकाल देता है तब भी फॉर्मेशन करेगा एच टू ओ का वाटर मॉलिक्यूल का तो इसने हाइड्रोजन को एच प्लस को डोनेट किया है एच प्लस को निकाला है तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये वॉक करेगा एक एसिड की तरह और जो सी एल माइनस है ये एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा तब फॉर्मेशन करेगा एच सी एल का तो एच प्लस को जो डोनेट एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा बेस ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो ये कहलाएगा एसिड ये कहलाएगा बेस और जब बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो ये कहलाएगा एसिड ये कहलाएगा बेस अब जो यहाँ पर जो एच सी एल है और ये जो सी एल बना है इन दोनों में एक प्रोटोन का डिफरेंस है यहाँ पर एच प्लस एड है इसके साथ एच प्लस है और यहाँ पर एच प्लस कम है मीन्स एक प्रोटॉन का डिफरेंस है यहाँ पर तो इस टाइप का जो पेयर रहेगा ऐसा एसिड बेस का एक ऐसा पेयर जिसमें एक एच प्लस का डिफरेंस होता है तो ऐसा पेयर कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अब इन दोनों में देखिए तो यहां पर भी एच टू ओ है और यहाँ पर एच थ्री ओ प्लस एक एसिड है एक बेस है तो ये जो दोनों पेयर है इन दोनों में भी एक एच प्लस का डिफरेंस है यहाँ पर थ्री एच प्लस है थ्री थ्री हाइड्रोजन है यहां पर टू हाइड्रोजन है मीन्स यहाँ भी एक एच प्लस का डिफरेंस है तो इस टाइप का जो एसिड बेस का पेयर रहेगा वो भी कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो ये होगा एसिड ये होगा बेस बैकवर्ड रिएक्शन भी कुछ परसेंटेज होती है तो यहां पर अगर इधर बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो जो एच थ्री ओ प्लस है वो कहलाएगा एसिड और ये कहलाएगा बेस सम कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेसिस आर इन द फॉलोइंग रिएक्शन नीचे और हम रिएक्शन देखेंगे कॉन्जुगेट पेयर की यहाँ पर एच सी एल लिया है इसके एच टू ओ जब दोनों रिएक्ट करते हैं फॉर्मेशन करेगा एच थ्री ओ प्लस का और सी एल माइनस का ऊपर हमने रिएक्शन देखी थी तो ये जब एच प्लस को डोनेट करेगा कहलाएगा एसिड ये जो एच टू ओ है ये एच प्लस को एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन करेगा एच थ्री ओ प्लस का ये कहलाएगा बेस फॉरवर्ड रिएक्शन में अब बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो ये जो एच थ्री ओ प्लस है ये आ, एच प्लस को डोनेट करके निकाल के एस्टो फॉर्मेशन करेगा तो ये हो जाएगा एसिड ये जो सी एल माइनस ये एच प्लस को एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन करेगा एच सी एल का तो ये हो जाएगा बेस नीचे रिएक्शन देखेंगे हम जो एच टू ओ है ये एच प्लस को डोनेट करता है बाहर निकालता है एच प्लस का बाहर निकाल देता है फॉर्मेशन करता है ओ OH एच का तो यहाँ पर ये वर्क करेगा एसिड की तरह वहीं अगर बात करें अमोनिया की एनएच थ्री की बात करें तो ये एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा एन एच फोर प्लस का तो इसने एक्सेप्ट किया है तो ब्रॉस लॉरी के अकॉर्डिंग ये कहलाएगा बेस फॉरवर्ड रिएक्शन में ये एसिड हो गया ये बेस हो गया बैकवर्ड रिएक्शन जब हम देखेंगे तो जो एन एच फोर प्लस है ये एच प्लस को डोनेट करता है और फॉर्मेशन करेगा एन एच थ्री का तो जब जो, जो डोनेट करेगा वो कहलाएगा एसिड ये जो है ये एच प्लस को एक्सेप्ट करके बनाएगा एच टू ओ तो ये हो जाएगा बेस तो अपन हम बोल सकते हैं कि ये जो एसिड और ये जो बेस है कॉन्जुगेट पेयर है ये वाला जो एसिड बेस पेयर है ये भी कॉन्जुगेट पेयर है यहाँ पर ये जो एसिड है और ये जो बेस है ये भी कॉन्जुगेट पेयर कहलाएगा और ये जो एसिड बेस पेयर है ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएगा क्योंकि इन सब में एक एक प्रोटोन का डिफ्रेंस है अब इन दोनों रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर जो वाटर है इस रिएक्शन में जो वाटर है वो वर्क करता है बेस की तरह क्योंकि ये एच प्लस को एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन करता है एच थ्री ओ प्लस का सेकेंड रिएक्शन में देखिए तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एच प्लस को डोनेट करता है और फॉर्मेशन करता है ओ एच नेगेटिव का तो यहाँ पर यह कार्य करता है एसिड का फर्स्ट रिएक्शन में वर्क कर रहा है बेस की तरह सेकेंड रिएक्शन में वर्क कर रहा है एसिड की तरह तो हम पर यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है दोनों रिएक्शन रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वर्क करेगा उसका वो जो सॉल्वेंट रहेगा वो एम्फोटेरिक नेचर का रहेगा उसका नेचर एम्फोटेरिक रहेगा क्योंकि वो एसिड की तरह भी वर्क करता है और बेस की तरह भी वाटर कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन हैंस इट इज कॉल्ड एज एम्फी सॉल्वेंट या एम्फोटेरिक ये कहलाएगा एम्फी सॉल्वेंट आगे हम देखेंगे यूटिलिटी या उपयोगिता फर्स्ट है इट एक्सप्लेन सब्सटेंस एज एन एसिड एंड अ बेस इन एनी सॉल्वेंट एंड नॉट लिमिटेड टू वाटर ओनली। इस थ्योरी में जो एसिड बेस के जो सबेंस होते हैं उनको किसी भी सॉल्वेंट में एक्सप्लेन किया जा सकता है यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ पर जो एसिड एंड बेस हो वो केवल वाटर मॉलिक्यूल वाटर सॉल्वेंट uh, जो रहेगा जो एक्वस सॉल्वेंट रहेगा उसी में ही वो एसिड बेस uh, रहेंगे कोई सा भी किस कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है एक्वस भी हो सकता है और नॉन एक्वस भी हो सकता है सेकेंड ए बाय दिस कॉन्सेप्ट वी कैन एक्सप्लेन द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है आगे हम देखेंगे लिमिटेशन वाइल अ नंबर ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आर नोन इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोटोन इज नॉट देयर बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें प्रोटॉन का ना एक्सेप्ट करता है ना प्रोटॉन को डोनेट करता है लेकिन वहाँ पर भी एसिड बेस एसिड बेस होते हैं तो इस थ्योरी में केवल प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करता है वो बेस और जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड इसी को एक्सप्लेन किया गया है लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जैसे जिसमें जो ऑक्साइड होता है उसको उसको एक्सेप्ट और डोनेट करते हैं लेकिन इस प्रकार का यहाँ पर कोई भी क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है तो ये हो जाएगी इसकी लिमिटेशन